विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल परिसर स्थित डिस्ट्रिक्ट टीवी सेंटर के प्रांगण में जिला स्तरीय टीवी जागरूकता से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त सुशांत गौरव ने टीवी से मुक्त होने वाले सभी व्यक्ति हकीकत में चैंपियंस हैं। ये टीवी चैंपियंस पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि टीवी से ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हित करना अति आवश्यक है। टीवी से प्रभावित व्यक्तियों को टीवी के इलाज हेतु प्रोत्साहित करें। उन्होंने टीवी रोग के संभावित मरीजों को आगे आकर स्वतः अपना इलाज कराने हेतु भी प्रेरित किया। कार्यक्रम है ये हमारे पूरे स्वास्थ्य और पूरे शिक्षा विभाग के सुधार में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रहा है। इसमें हम लोगों ने शिक्षा के माध्यम से टीवी में प्रचार प्रसार, टीवी के संबंधित जो बिहेवियर चेंज है, जो सबसे फंडामेंटल चीज़ में से होता है, उसमें बच्चों को हम लोगों ने जोड़ा, उनको प्रोत्साहित किया, उनके संदेश को पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ जो टीवी से ग्रसित लोग थे, जिनको कि समाज जो है एक तरह से तिरस्कार कर दिया था, उनको हमारी दीदियों ने, सहिया दीदियों ने, स्वास्थ्यकर्मियों ने ठीक करके उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिया है, समाज के बीच में उन्हें हीरो बनाया है। तो मैं उन सभी स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा को नमन करता हूं। साथ ही इन टीवी से ठीक हुए सभी हीरो को मेरा सलाम है। और मैं ये चाहूंगा कि समाज के सभी व्यक्ति टीवी मुक्त गुमला के लिए जो एक संदेश है वो यही है कि आप सब सामने आएँ, अपने आप को आइडेंटिफाई कराएँ कि आपके अंदर अगर ये कोई भी गुंजाइश है कि आपको टीवी है, तो कृपया आएँ, अपना जाँच कराएँ। जाँच कराने के बाद आपको फ्री में सारी सुविधाएं जो देना है वो हमारी जिम्मेवारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। और यही इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोगों ने पोलियो से मुक्त करके इस देश को उस तरह के बुरी चीज़ों से हमने निजात दिलाया है, ठीक उसी प्रकार से, उसी शिद्दत से हम लोग सब मेहनत करेंगे, समाज में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, स्वास्थ्यकर्मियों का सहयोग देंगे, और इससे भी हम लोग टीवी मुक्त बहुत शीघ्र हो पाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।